A very long wire carries current I is fixed along x axis. Another parallel finite wire carries current in the opposite direction. ठीक है. Is kept at a distance d above wire in xy plane. The second wire is free to move parallel to itself. The option available for its displacement r. ठीक है भाई. मैनो डायग्राम क्या कर सकते हैं इसमें. देखो, एक वायर तो ये रहा, दूसरा वायर ये रहा. इसमें करंट बह रहा है ऐसे, आई वन ले लो. इसमें करंट बह रहा है ऐसे, आई टू ले लो. इनके बीच का सेपरेशन हमें कितना गिवन है, डी, ये ले लो. ठीक है. नाउ इसकी वजह से अगर मैं बात करूं, अपोजिट डायरेक्शन में बह रहा है ना, ठीक है, तो इसकी वजह से अगर मैं बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा इधर बाहर की तरफ, और एल क्रॉस बी फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ. ठीक है, फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ. ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं. टेकिंग ग्रेविटी इन नेगेटिव वाई डायरेक्शन, तो ग्रेविटी किधर लग रही है, नीचे की तरफ. ठीक है, जैसे ही आप इसको ऊपर ले जाओगे, जैसे इसको दूर करोगे, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मतलब वाई में अगर ऊपर बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, कम, क्योंकि दूरी बढ़ रही होगी. और मैग्नेटिक फील्ड कम होगा तो ये डोमिनेट करेगा, ये डोमिनेट करेगा तो वापस खींच लाएगा. तो अल्टीमेटली अगर वाई में आप मूवमेंट कराते हो तो स्टेबल मूवमेंट मिलने वाला है. तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला ठीक आ रहा है ना. तो क्या आएगा, स्टेबल फॉर मूवमेंट इन डायरेक्शन, स्टेबल फॉर मूवमेंट इन वाई डायरेक्शन, अनस्टेबल फॉर मूवमेंट इन जेड डायरेक्शन, न्यूट्रल फॉर मूवमेंट इन एक्स डायरेक्शन, स्टेबल फॉर मूवमेंट इन जेड, अनस्टेबल. ठीक है, तो y में देखिए स्टेबल कहां इसमें दिख रहा है, दूसरा इसमें आप चेक कर सकते हो, क्योंकि इसमें y में स्टेबल बोला है, z के लिए आप चेक कर सकते हो चौथे वाले में. बाकी आंसर मेरे हिसाब से b आएगा, चेक करने वाला ये, बाकी और कुछ भी नहीं है इसमें, आप इसलिए इसको चेक कर सकते हो. ठीक है, तो दिस वाज़ द डिस्कशन ऑफ डीबीपी नंबर 59. मिलते हैं नेक्स्ट डीबीपी में. थैंक यू.